खबरों की सफर का आगाज जो है वो करते हैं पूरे मुल्क के अंदर किसानों की, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसानों की आज बात करते हैं। आज मुल्क के किसानों की लगातार आप पिछले एक साल के दौरान बात सुनते आ रहे थे, क्योंकि वो जंतर मंतर पर एहतजाज पर थे, वजीर अजम का बयान था और वजारत के मुख्तलिफ लीडरों के बयान थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसानों की हालात क्या कुछ है, इस पर आज जरा गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं उस बड़े ऐलान की जो हुकूमत वक्त की तरफ से किया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरे मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल रहेगी और नागहानी सूरत के अंदर अगर कोई नुकसान किसानों को होता है तो उसका माकूल और मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। पहल अच्छी थी, कोशिश अच्छी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का बाबा आदम ही निराला है। यहां पर ये स्कीम तारुफ कराई गई लेकिन शर्त शरूत के साथ, और आज जब 4 जनवरी को आप और हम बात करते हैं तो आज भी इस पूरी स्कीम का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये नॉन स्टार्ट आप मानिए, यानी ये स्टार्ट ही नहीं हुई, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेने की कोशिश की गई और वो पायलट प्रोजेक्ट भी फेल हुआ है। 20 अजला हमारे हैं, एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कश्मीर प्रोविंस जम्मू प्रोविंस को मिलाकर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 20 में से ट्रायल बुनियाद पर या पहले मरहले पर 4 अजला के किसानों को ये यकीन दिलाया गया, ये भरोसा दिलाया गया कि आपको इस जुमरे में लाया गया है। तो फिर इन 4 अजला के किसानों की हालत क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है। हालात ये है कि इन किसानों को रियासती इंतजामिया, रियासत के मौजूदा इख्तदार में बैठे अफसरों ने यकीन दिलाया कि आपका फसल का बीमा हो गया है, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब वक्त आया तो मालूम पड़ा न तो रियासती इंतजामिया ने अपना शेयर दिया और ना ही मरकजी हुकूमत ने अपना शेयर दिया, जिसकी वजह से किसान जिसके ऊपर कुदरत की मार पड़ी उसे एक भी पैसा इस स्कीम का, इस योजना का, इस फायदे का नहीं मिला है। अब मिसाल के तौर पर आप याद रखिएगा जो 4 जिले हमारे आए जिनमें कहा गया कि इंश्योरेंस कवर कर दिया गया जी, उसमें भी यह कहा गया कि आपका इंश्योरेंस कवर जो है वो खरीफ क्रॉप पर नहीं होगा जी, फसल पर नहीं होगा। और फिर आपको याद होगा कुछ हंगामा शंगामा, वो कहा गया कि नहीं जी करते हैं, और अक्टूबर का महीना था पिछले साल 30 अक्टूबर के आसपास जबरदस्त झालाबारी हुई, बारिशें हुई और उस बारिशों की वजह से जम्मू सूबे के किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 51,000 से ज्यादा किसान को कहा गया कि जम्मू सांबा उधमपुर और अनंतनाग, जम्मू सांबा उधमपुर 3 जिले जनाब जम्मू प्रोविंस के और अनंतनाग जिला एक वाहिद जिला जो था वो सूबा कश्मीर का था जिसे इस स्कीम के दायरे में लाया गया था, लेकिन स्कीम के दायरे में लाने के बावजूद भी एक भी पैसा नहीं दिया गया। क्यों? यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट के जो इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान हैं, और अगर जो खबर हमारे पास है जो प्रीमियम देना था, यानी जो इब्तदाई किस सरकार ने देनी थी, उस इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने दी नहीं और मरकज ने अपना पैसा दिया नहीं, जिसकी वजह से किसानों को जबरदस्त नुकसान जो है यहाँ पर उठाना पड़ा। अब जो इस पूरे मिशन के साथ जुड़े हैं, मिशन डायरेक्टर एग्रीकल्चर, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, उनके दफ्तर के साथ जब आप रब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या हुआ, किसानों की बहबूद के लिए जो कदम उठाना था क्या हुआ, तो कहा जा रहा कि जनाब प्रीमियम में डिले हुआ इसलिए लास्ट ईयर हुआ नहीं, इस बार हम बजट एलोकेशन को बीच में रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी बड़ी बात जो टेक्निकल बात सामने आ रही है और ये मेरी समझ से बाहर है कि किस तरीके से उसको अप्रूव किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री और दीगर लोगों ने, कि जनाब प्रीमियम जो था वो जिस ज्यादा देना था और वो बजट एलोकेशन में फिट नहीं बैठता था। जब टेंडरिंग प्रोसेस हुआ था उस वक्त आपने इसको एलो क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल था, आप उससे नीचे वाले को भी ले सकते थे या रिटेंडर कर सकते, यानी 2 साल का वक्त आपका जाया हो गया, पिछले 1 साल में भी एक पैसा नहीं मिला, उससे पहले भी फसल बीमा का एक भी पैसा जम्मू कश्मीर के किसानों को नहीं मिला। और अब क्या कहा जा रहा है, नए माली साल में ये कोशिश करेंगे कि दोबारा से टेंडर फ्लोट करे, दोबारा से कोई कंपनी आए वो टेंडर डाले और हम उसको सेट करेंगे जी बजट एलोकेशन।
ये चीजें पहले भी हो सकती थी, नहीं हुई, अब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुल्क के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए वजीर अजम तीन कानूनों को तहलील कर सकता है, खत्म कर सकता है, किसानों की बात को सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो जम्मू कश्मीर के किसानों का जुर्म क्या है, क्यों उन्हें इस फसल बीमा योजना के तहत नहीं लाया जा रहा, क्यों? हमारे जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज ही अलग है, कब बारिश पड़ेगी, कब बर्फ होगी, किसी को कुछ नहीं पता है, और कब क्या कुछ होगा यह प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान हॉर्टिकल्चर प्लानिंग में तो होता ही होता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, एक कसीर आबादी जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है, उन्हें एक भी पैसा फसल बीमा योजना का नहीं मिला जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके पीछे की गलती क्या है, क्या कुछ लिक्विडाज है, डिटेल के साथ मैंने आपके सामने अच्छा, इस उम्मीद अगर... के साथ जी अब अगला माली साल शुरू होने जा रहा है मार्च में, उससे पहले ये सारी जो परेशानियां हैं इन्हें खत्म किया जाए। जी थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो हाल ही में जो नुकसान भी किसानों को मुख्तलिफ अजला में हुआ है, वादी के अंदर बर्फबारी से हो या जम्मू के अंदर हवाएं चलने से, तालाबारी से या बारिशों से, तो अगर शायद फसल बीमा होता, ये इंश्योरेंस कवर होता, ये उसी हेल्थ स्कीम की तरह था जहां पर आपको नुकसान का तखमीना लगाकर सरकार फौरी तौर इंश्योरेंस होने के बिना पर आपको यह मुआवजा भी फौरी तौर पर दे देती थी। कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जहां जम्मू सूबे के अंदर भी किसान सरहदी इलाकों में बिल्कुल दो तरह के चैलेंजेस हैं, मौसमियाती तब्दीली से नुकसान उठाते हैं तो वहां से भी उन्हें परेशानी, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC के आसपास जो किसान हैं वो इस योजना का या इस फसल बीमा का अभी तक इंतजार कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को अगर आज के वक्त में होता तो शायद इसका बराह रास्त फायदा भी पहुंचता। बात जब किसान